Well, for me, it'll always be Saif will be the first. And then Aamir and then Shah Rukh. Saif. Aamir. SRK. यही है करीना कपूर की अपडेटेड फेवरेट खान्स लिस्ट। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है सैफ अली खान। करीना का सैफ को टॉप प्रायोरिटी देना शायद कोई नई मुश्किल खड़ी नहीं करता, लेकिन करीना का एसआरके से पहले आमिर खान का नाम गिनाना एक बार फिर किंग खान को नाराज कर सकता है। जी हाँ, आपको तो याद ही होगा कि अपनी फिल्म वी आर फैमिली के लिए करीना ने जब करण के सामने आमिर को प्रेफर किया था तो क्या बवाल हुआ था। Because you know what is the next question? That who is the genius? I said Shah Rukh. They've not printed that. That is coming on TV. They've just taken experts from the interview. It was a rapid fire in which they said who is the genius of the industry. I said Shah Rukh. Then the next question was God of acting. So I said Aamir. तब भी Zoom ने ही आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया था कि शाहरुख खान ने कैसे करीना कपूर की लेग पुलिंग की थी। आमिर को गॉड ऑफ एक्टिंग कहने पर करीना की क्लास लेने से भी नहीं चूके थे शाहरुख खान। और अब एक बार फिर करीना कपूर ने कुछ ऐसा ही किया है। जब करीना से हमने पूछा कि बॉलीवुड के तीन खान्स आमिर, शाहरुख और सैफ अली खान की क्वालिटीज को लेकर आगे अगर वो बनाएंगी अपनी फेवरेट खान्स लिस्ट, तो उस लिस्ट में किस खान को देना चाहेंगी कौन सी पोजीशन, तो देखिए करीना ने कैसे दोहरा दी अपनी अपडेटेड फेवरेट खान्स लिस्ट। वेल फॉर मी इट विल ऑलवेज बी सैफ विल बी द फर्स्ट एंड देन आमिर एंड देन शाहरुख। Well, खुद को नंबर थ्री पर पाकर शाहरुख खान को एक बड़ा झटका तो जरूर लगेगा, लेकिन बॉलीवुड के टॉप थ्री खान्स में से एक खान का तो नाम ही मिसिंग है यहाँ। पता नहीं करीना की इस अपडेटेड फेवरेट खान्स लिस्ट को जानकर उनका रिएक्शन क्या होगा। हो सकता है कि करीना को लेकर उनका परसेप्शन ही बदल जाए। करीना कैसी हैं? जैसे आपने पूछा कि वो थ्री खान्स के बारे में, अब जब आप अपनी मम्मी के पास होते हैं, मम्मी ने पूछा कि हूज बेटर, मम्मी और डैडी, आप क्या बोलोगे? मम्मी बोलोगे ना? और जब डैडी के साथ होते हैं तो क्या बोले? डैडी ना। चेतना सिंह, Zoom, मुंबई।